सर्दियां आते ही टंडो अल्लायार में लंडा बाजार सज गए। बाजारों में लंडा के मलबूसात महंगे होने से शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं महंगाई के बायस अब लंडा बाजार भी सस्ते नहीं रहे। तुफैल अहमद कम्बरानी की रिपोर्ट देखिए। सर्दी ने जोबन दिखाए तो टंडोलिया के शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। टंडोलिया की लुंडा बाजारों में शहरी तो लुंडा खरीदने आते हैं, लेकिन दाम सुनकर वापस रवाना होने पर मजबूर हो जाते हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल लुंडा बाजारों में स्वेटर जैकेट कोर की कीमत में दुगना इजाफा हो गया। शहरियों की चीखें निकाल दी। जो 200 का जैकेट मिलता था अब उसकी कीमत 600 से 800 रुपये हो गई है। 300 के कोर की कीमत बढ़ाकर 500 कर दी गई। शहरियों ने GTV न्यूज़ को बताया कि दुकानों से जैकेट खरीदना तो मुश्किल था, लेकिन अब लुंडा बाजारों में भी आना मुश्किल हो गया। जैकेट कोट जुराब समेत दीगर गर्म मलबूसात की कीमतें बढ़ा दी गई है। पिछले साल जो 100 रुपए की चीज मिल रही थी अभी 150 हमारे को मिल रही है। हम क्या बेचें, 100 की बेच रहे थे अभी 150 की मिल रही, क्या बेचें? इसीलिए खरीदारी बहुत कम है भाई, क्या करेंगे? पिछले साल वाला पिला लेंगे और क्या करेंगे, छोटे पड़ेंगे तो क्या है। गरीब शहरी दुकानों से गर्म मलबूसात खरीद नहीं सकता, जिसके बायस लुंडा बाजार आते हैं, लेकिन लुंडा बाजारों में भी गर्म मलबूसात खरीद नहीं सकते। कैमरामैन आजादार हुसैन के साथ तुफैल अहमद कम्बरानी, GTV न्यूज़, टंडो अल्लायार।